इस T20 सीजन My Team 11 पर रोज खेलो और जीतो करोड़ों में। डाउनलोड द My Team 11 ऐप नाउ। दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की। प्ले रिस्पॉन्सिबली। भरतपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन। कुछ देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भरतपुर पहुंच जाएंगे और भरतपुर संभाग के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। जवाहर स्कूल स्टेडियम में ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। प्रभारी रंधावा और पीसीसी चीफ डोटासरा भी उनके साथ में मौजूद रहने वाले हैं, क्योंकि अब से आने वाले कुछ ही समय बाद, कुछ ही महीनों बाद चुनाव है। लेकिन उससे पहले जो जनता है, आम जनता में कैसे ये मैसेज जाए कि कैसे सरकार उनके लिए योजनाएं लेकर आ रही है और उन योजनाओं का कैसे वो लाभ उठा सकते हैं। और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा से बातचीत की हमारे सहयोगी रवि कटारा ने, आपको सुनाते हैं। भरतपुर में आज कांग्रेस का संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और भरतपुर के जो प्रभारी मंत्री हैं रमेश मीणा, वो पहुंच चुके हैं और तैयारियों का उन्होंने आज जायजा लिया, उनसे बात करेंगे। सर, आज मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भरतपुर आ रहे हैं, क्या संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, क्या नई जान कार्यकर्ताओं को भूलने के लिए? सबसे पहले आज हमने डिसाइड किया था वहाँ जयपुर अपने उस लेवल पर कि संभाग लेवल पर जाएँ और कार्यकर्ता सम्मेलन करें। तो इस सम्मेलन में आज माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रभारी रंधावा जी, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी और इस संभाग के मंत्री, विधायक, प्रधान, जिला प्रमुख, पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं, सब लोग आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारी जो हमने बजट में घोषणाएं की हैं उसके बारे में भी उनसे फीडबैक मिलेगा, हमारे पदाधिकारियों से, MLA से। उसके अलावा जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनका भी कोई अनुभव होगा, कोई बात होगी, तो वो भी अपनी बात को रख पाएंगे। और आने वाला जो चुनावी साल है, हम चाहते हैं कि भाई हमने बजट में घोषणाएं तो कर दी हैं, धरातल पे काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी बातों को लेकर और पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। आज देश के जो हालात हैं कि कानून को भारतीय जनता पार्टी के हथियार बनाकर उपयोग कर रही है, दुरुपयोग कर रही है उपयोग की जगह, तो इस तरह के वातावरण हालात बन रहे हैं, तो लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। तो ये सारी बातें, सारी चर्चाएं आज के कार्यक्रम, आज के सम्मेलन में होगी। विशेष तरह पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि हमारा जो कार्यकर्ता है वो रीढ़ की हड्डी है, वोंस है, वो उसकी वजह से ही सरकार है, उसकी वजह से ही पार्टी चल रही है। तो सभी लोगों का एक सम्मेलन होगा, अपनी सभी कार्यकर्ताओं की भी बात भी आएगी, विधायक मंत्री अपनी बात को कहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री, उनका भी संबोधन होगा। सर, संगठन को मजबूत करने की बात की जाती है, लेकिन लगातार अगर बात की जाए भरतपुर की, तो जिलाध्यक्ष की अभी तक घोषणा नहीं हो पाई है। सर, ये शीघ्र ही चल रहा है, ऊपर लेवल पर है, उच्च स्तर पे है, तो वो हो जाएगा। और उससे सबसे बड़ी बात यही है, हम बता दें हम कि पूर्व है जो अब वर्तमान में नहीं है, पूर्व है सारे जो कांग्रेस के लोग हैं, कोई जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगी। संगठन है, संगठन का काम संगठन के हिसाब से चलता है और अपने लेवल पे काम हो रहा है। जिस प्रकार जो हमारे पंचायत राज के प्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, जिला प्रमुख हैं, सभी अपना काम कर रहे हैं, MLA अपना काम कर रहा है, मंत्री अपना काम कर रहा है, सरकार सबसे 1-to-1 छोटे से कार्यकर्ता से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक संपर्क में है। और जिन लोगों ने बजट में जो कहा कि भाई हमारे गांव में ये होना चाहिए, हमारे वार्ड में ये होना चाहिए, ये विकास चाहिए, वो विकास माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है। तो ऐसी कोई बात हमें यहाँ भरतपुर में या कहीं दूसरे संभागों में भी जाते हैं, हमें कोई जनता की तरफ से कोई नाराजगी नहीं मिली, क्योंकि पहली बार ऐसा विकास हो रहा है। साफ तौर पर जो प्रभारी मंत्री हैं रमेश मीणा, उनका साफ तौर पर कहना है यह है कि जो मुख्यमंत्री ने जितनी भी फ्लेक्सिबल योजना लागू की है वो जनता को मिल रही है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ रवि कटारा, फर्स्ट इंडिया, भरतपुर।